नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव देखेंगे। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव लिखिए या फिर नीर का निर्माण फिर कविता का संदेश लिखिए। ये दो प्रश्न हैं, उत्तर इसी तरह से आप लिख सकते हो। सिर्फ यहाँ पर हेडिंग, अगर मूल भाव रहेगा तो मूल भाव और संदेश रहेगा तो संदेश कर देंगे, ठीक है। तो नीर का निर्माण फिर कविता, चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर मित्रों 150 से 200 शब्दों के बीच लिखना है, तो यहाँ पर आपका 150 से 200 के बीच ही लिखा हुआ है, आप गिन भी सकते हैं। और एक चीज़, इसे आप ध्यान से पढ़कर समझ लें, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाकर इसे सहज ही अपने भाषा में लिख सकते हैं या फिर इसमें भी लिख सकते हैं, ये सहज ही लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत कविता नीर का निर्माण फिर में, तो यहाँ पर नीर का निर्माण फिर ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिएगा। तो प्रस्तुत कविता नीर का निर्माण फिर में, तो यहाँ तक कविता का नाम है। कवि हरिवंश राय बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन इनका नाम है कवि का। चिड़िया के माध्यम से बताते हैं, यहाँ पर देखिए सहज ये एक वाक्य है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीज आपको रखना है दिमाग में। प्रस्तुत कविता, देखिए लिखने का तरीका है, प्रस्तुत कविता नीर का निर्माण फिर कविता का नाम है, में कवि हरिवंश राय बच्चन, ये अभी आपका लेखक का नाम है। चिड़िया के माध्यम से बताते हैं, चिड़िया के माध्यम से बताते हैं, क्या बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया, या व्यक्ति को चिड़िया की तरह यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, व्यक्ति को चिड़िया बताया गया है। व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीर का निर्माण करते रहना चाहिए। जो जीवन निर्माण है ना मित्रों, बचपन से लेके बुढ़ापे तक का निर्माण करते रहना चाहिए, चाहे जिलाग मुसीबत आए, विपरीत परिस्थितियाँ आए, पर इसका निर्माण रुकना नहीं चाहिए, अधिक सुंदर और अच्छा की तरफ। चलिए ये आप एक वाक्य देख लिए। प्रस्तुत कविता नीर का निर्माण फिर में कवि हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीर का निर्माण करते रहना चाहिए। अगला जो वाक्य है, फिर चाहे भयंकर आंधी तूफान आए, यहाँ भयंकर आंधी तूफान जीवन को लेकर है, मुसीबतों का, जीवन में आए मुसीबतों का, सब और विनाश मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़ कर चाहे भूमि पर गिर पड़े, इस तरह का मुसीबत भी आ जाए, पर यह ना सोचे कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यह ध्यान रहे कि प्रलय के बाद भी नई सृष्टि का निर्माण फिर होता है। आशा की किरण मन में सदैव जगाए रखना चाहिए। आगे, जिस प्रकार आंधी तूफान में घोंसला नष्ट हो जाने पर भी चिड़िया एक एक तिनके से अपने लिए नीर का निर्माण करती है, उसी तरह मनुष्य को सदा निर्माण की दिशा में, एक की बड़ी की मात्रा का मित्रों, दिशा में लगा रहना चाहिए। चिड़िया में चंद्रबिंदु भी लगता है, नहीं भी लगता है। तो जिस प्रकार आंधी तूफान में घोंसला नष्ट हो जाने पर भी चिड़िया एक एक तिनके से अपने लिए नीर का निर्माण करती है, उसी तरह मनुष्य को सदा निर्माण की दिशा में लगा रहना चाहिए, प्रयत्न से रहना चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, कहावत है ना, जब तक सांस तब तक आस, तब तक आस, बस यही तो जीवन है, और यही इस कविता का निहित मूल भाव भी।
और अगर संदेश रहा लिखेंगे मूल संदेश भी। इसी के साथ मित्रों ये उत्तर पूरा हुआ। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने माध्यमिक न्यूज रे फेसबुक पर इसे डाल दिया है, तो आप इसका PDF भी ले सकते हैं। इसी के साथ ये आपका नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव या कहें तो मूल संदेश का उत्तर पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।